राजेश गिल जी है, एक अच्छी कला प्रेमी महाराज सूरज मल जो बोली सुरेंद्र जी महाराज सूरज मल का भी एक जब सूरज मल की बात आती है तो दर्शक साथियों पहलवान साहब को सम्मानित कर रहे हैं फूल फूल मालाएं पहना करके और पहलवान साहब का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद आप उनके लिए भाई जी साथ में मान सम्मान और मालाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। अब आइए शिलू साहब शिलू प्रधान दादा देवराज खेल समिति नारायण के पदाधिकारी हैं ये प्रतिवर्ष बहुत बढ़िया उनके जन्मदिन पर ये करवाते हैं प्रतिवर्ष सरका कबड्डी खेल प्रतियोगिता सारी की सारी धन्यवाद मुकेश नारायण जी सभी के सभी एक बार ऊपर आए हमको सम्मान पत्र से सम्मानित करेंगे हमारे बीच में कुश्ती की जान शान रिटायर्ड आईपीएस जगरूप जी लाठी हमारे बीच में आए तो तुंगीराम जी के शीशा भी हम साथी भी थे हम उनके यहाँ पहुंचने हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारी हरियाणा गौरव अवार्ड टीम को सम्मानित श्री सुखी संधू जी इस कुश्ती के बाद चले पहला रमेश सत्यवान अखाड़ा रोहतक अभी और मात्र पांच मिनट के बाद इति साहब ओपी सिंह जी पहुंचने वाले हैं संजीव कौर जी कुछ कह रहे हैं एक है गाना के बारे में कह रहे हैं खेल समिति के सदस्य अच्छा नहीं अच्छा हाँ कोई बात चलो ठीक है संजीव जी आपसे प्रार्थना निवेदन है जीरो एक का स्कोर और साथी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी आए जगरूप सिंह राठी रिटायर्ड आईपीएस अतुल अवार्डी से रिक्वेस्ट है कि एक बार मैट पर आए साथ में विजय कल्याण जी आए मोनिका बेंजी एक बार आ जाए साथ में ओम प्रकाश दरिया जी बड़ा गर्व का विषय है हमारे हमारे अर्जुन अवार्डी जगरू पहलवान जी का सम्मान कर रहे हैं भाई राजवीर संधू जी सुखवीर संधू जी साथ में ओम प्रकाश जी
रामपुर दलवान जी, विजय कल्याण जी, हमारे डीपी साहब और दगरू दलवान जी कुश्ती के दीवाने हैं। और हमारे दगरू दलवान जी की संस्था में गुरु जी के बंगल में 11,000 रुपए इस संस्था को देकर हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दलवान जी। और इनकी बेटी भी अर्जुन अवार्डी है, इंस्पेक्टर करनाल है, वो भी जो है कॉमनवेल्थ की विजेता है।